हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवेंद्र सेन टू अवर माई वेलकम यूट्यूब चैनल रियल टीवी इन हिंदी। हाँ दोस्तों, वीडियो को बार बार इसकी मत कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। के राजा शुद्धोधन का पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहा था। हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर बहुत खुश था और सोच रहा था कि ईश्वर ने धरती को सजाने के लिए ये वृक्ष, लताएं, पशु पक्षी आदि बनाए हैं। वह अपने विचारों में खोया था कि सहसा वहाँ उसका चचेरा भाई देवदत्ता पहुँचा। हाथ में तीर कमान लिए वह वृक्ष लताओं को तोड़ने लगा और उन पर बैठे पक्षियों को उड़ाने लगा। सिद्धार्थ को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, यह क्या कर रहे हो भाई देवदत्त? बगीचे में आए हो तो इन लताओं, तितलियों, पक्षियों का आनंद लो। देवदत्त बोला, मैं यहाँ पक्षियों पर अपने तीर से निशाना लगाकर अभ्यास कर रहा हूँ। यह सुनकर सिद्धार्थ बोला, इन पक्षियों पर निशाना लगाकर तुम इन बेजुबान पक्षियों को मत सताओ। परंतु देवदत्त सिद्धार्थ की बात अनसुनी कर बगीचे में उत्पात करने लगा। सहसा ही उसे आकाश पर उड़ते हुए हंस दिखाई दिए। उसने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाकर हंस पर निशाना साधा। तीर सीधा हंस को लगा। हंस घायल होकर बगीचे में आ गिरा। हंस का कातर स्वर सुन सिद्धार्थ दौड़कर हंस के पास पहुंच गया। उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने घायल हंस के शरीर से तीर निकालकर अपनी गोद में उठा लिया। उसके शरीर पर स्नेह से हाथ फिराने लगा और उसके घाव पर पत्तों का रस लगाकर जार करने लगा। तभी देवदत्त वहाँ आ पहुँचा और हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखकर नाराज होकर बोला, भैया आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? यह मेरा हंस है, मुझे दे दीजिए। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, यह हंस तुम्हारा नहीं, मेरा है। यह तुम्हें नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिलेगा? मैंने अपने तीर से निशाना लगाकर इसे नीचे गिराया है। यह मेरा ही है। नहीं, मैंने इसके शरीर से तीर निकालकर इसकी जान बचाई है। अब इस पर मेरा अधिकार है। आपसे किसने कहा कि किसके प्राण बचाइए? लाइए मेरा हंस, मुझे दे दीजिए। देवदत्त नाराज होकर बोला, कह तो दिया, हंस तुम्हें नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, देखता हूँ तुम मुझे हंस कैसे नहीं देते। दोनों महाराज के पास पहुँचे। देवदत्त की बात सुनकर महाराजा बोले, सिद्धार्थ झगड़ा क्यों करते हो? हंस देवदत्त को क्यों नहीं देते? हंस को देवदत्त ने गिराया था या तुमने? सिद्धार्थ बोला, पिताजी यह सत्य है कि देवदत्त ने तीर मारकर हंस को नीचे गिराया, किंतु मैं आपसे पूछता हूँ कि देवदत्त को हंस पर तीर चलाने का अधिकार किसने दिया? यह तो सुख से आसमान में भी उड़ सकता था। इसने देवदत्त की कोई हानि नहीं की, फिर भी देवदत्त ने इसे व्यर्थ ही घायल कर दिया। मैंने इसके प्राण बचाए हैं, अब मैं समझता हूँ कि इस पर मेरा अधिकार है। महाराज राजकुमार सिद्धार्थ की बात सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो गए। उसकी दयालुता व न्याय संगत बातें सुनकर देवदत्त से बोले, सिद्धार्थ ठीक कह रहा है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए सिद्धार्थ का ही हंस पर अधिकार है। राजा का निर्णय सुन सिद्धार्थ प्रसन्न हो गया। कुछ समय बाद जब हंस उड़ने योग्य हो गया तो सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया और हंस आसमान में उड़ गया। यही परोपकारी बालक आगे चलकर भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और एक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।